चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट एडवांस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम जो है हमारे 900 के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ग्रामर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो हम जो कोशिश करेंगे कि सारे जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन के लिए वो सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम कवर कर ले, जिससे हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो टेंसेस है। सबसे पहला रीजन आता है ये टेंसेस एक्चुअली होता क्या है। तो आपने कई बार आप फंसते हो, कई बार आप सोते हो, कई बार आप रोते हो, कहीं घूमने जाते हो, कहीं गाना गाते हो, ये सारे क्या है, ये सारे आप एक्शन है। अब यहीं पे अगर मैं इसको ग्रामर की भाषा में अगर मैं कहूँ तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम लोग? आपका वर्ब बोलते हैं। सही बात है। अब ये जो वर्ब है हम कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ब परफॉर्म कब करते हैं, ये जो बेसिकली जो टाइम, कौन से टाइम में हमने ये चीज परफॉर्म की थी, इस चीज को, ये चीज हमें कौन बताता है, ये हमें टेंसेस क्या बताता है मोटी मोटी भाषा में। और ये जो अगर टॉपिक बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, और अगर हम बात करें ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे, अगर आप आगे चलकर चेंज द वॉइस सीखना चाहते तो आपको ये आना चाहिए, इवन जब क्वेश्चन टैग सीखना चाहते तो आपको यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी आपको ये चीजें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज की वजह से ये जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको टेंसेज आते हैं तो क्या आपको क्या बाकी सारी चीजें भी आप इजिली कर सकते हो। अब सबसे पहले टॉपिक क्या है हमारा, टेंसेज। अब यहाँ पे टेंसेज की अगर बात करो तो टेंसेज बेसिकली आपके हम इंसानों की तरह होते हैं। कैसे, एक जो इंसान होता है वो तीन तरीके से जीता है। कुछ एक जो बंदा होगा वो हो सकता है कि आज भी जीता हो, भैया कल क्या होगा देखा जाएगा, जस्ट लाइक अ बैक बेंचर। सही बात है। अब बैक बेंचर की अगर मैं बात करूं तो बैक बेंचर क्या रहता है, कल एग्जाम है टेंशन नहीं भाई, सुबह उठ के पढ़ लेंगे, अभी तो टेंशन फ्री रहो, अभी तो मजे करेंगे, मजे करने का टाइम है। तो ये बंदा क्या है, ये बंदा आज में जीता है, और ये बंदा आज में जीता है इसका मतलब ये कौन किस में जीता है, ये प्रेजेंट में जीता है। अब एक बंदा ये होता है जो क्या रहता है, पहले उसके साथ कुछ गलत हुआ रहेगा, उस गलत को ही लेके बैठ जाता है, उसकी जिंदगी बोलता है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या हो गई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यानी ये अपने पिछले को लेकर रहता है। और जो पिछला होता है यानी जो टाइम गुजर गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं भाई। अब यहाँ पे एक बंदा ऐसा होता है, एग्जाम, वो एग्जाम अगले साल देने वाला है लेकिन टेंशन उसको आज से ही है, क्या मुझे आज से पढ़ना है, मुझे आज से अलजेब्रा की प्रैक्टिस करनी, मुझे आज से ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करनी, ये टेंशन पाले रहता है। तो भैया वो कौन सा होता है, वो फ्यूचर टेंस होता है, जो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अब इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह जाएंगे, यहाँ पे आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज आपको आता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड जो आपको आता है कन्वर्जन करने के लिए। अब व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन एंड व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफिकेशन, देखो आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू से विच काइंड ऑफ टेंस इज दिस, अब इस सेंटेंस में किस तरह का क्या टेंस क्या यूज किया गया ये आपको बोला जाएगा। और दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले हिस्से में क्या किया जाता है, दूसरे वाले हिस्से में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जो पर्टिकुलरली एक टेंस में होगा। सही बात है। और आपको बोला जाएगा कि किसी और टेंस में उसको क्या करने के लिए, चेंज करके क्या देने के लिए। ठीक है, तो इस यही इस तरह के ही दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलो सबसे पहली चीज, अब मैंने बात किसकी की, मैंने बात आइडेंटिफिकेशन की है। तो सर अभी आइडेंटिफाई करने का कैसे, क्योंकि ये जो टेंस है ना, ये टेंस ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, और कहीं ना कहीं इस टेंस की वजह से मुझे बहुत सारी मुसीबतों का ना सामना करना पड़ता है। तो चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज अगर सेंटेंस में क्या आ रहा है, सेंटेंस में अगर, ए भाई तुम थोड़ा सीधा, हाँ सेंटेंस में अगर क्या आ रहा है, आपका इज आ रहा है, आम आ रहा है, आर आ रहा है, हाव आ रहा है, हाज आ रहा है, तो भैया जब कभी भी आपको सेंटेंस में इज दिख जाए, आम दिख जाए, आर दिख जाए, हाव दिख जाए, आज दिख जाए, चुपचाप कुछ नहीं बोलने का, बोलने का सर ये तो प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस है। कौन सा वाला सेंटेंस है, ये तो प्रेजेंट वाला टेंस वाला सेंटेंस है। क्लियर हो गया। अब भाई सेंटेंस में अगर वॉज दिख गया, वर दिख गया, हार दिख गया, क्या 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 क्या, वॉज दिखा, वर दिखा और हार दिखा, इट मीन्स दैट ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस वाला टेंस है। कौन सा वाला टेंस है, ये पास्ट टेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगर आपको सेंटेंस में विल दिखता है और शाल दिखता है, क्या दिखता है, विल दिखता है और शाल दिखता है, तो चुपचाप क्या बोलेगा, चुपचाप कुछ नहीं बोलेगा, सर ये तो हमारा फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर टेंस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। अब एक एक कदम करके हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहली चीज, सर आपने ये तो बता दिया ई जे एम ए आर ए हैव ए हैज, लेकिन ये इज कहां पे यूज होता है, ये एम कहां यूज होता है, ये आर कहां यूज करना है, और ये हैव और हैज कहां से यूज करना है, ये तो समझा दीजिए। समझा रहा हूं, टेंशन मत लो, अपना ये ग्रेट ट्यूटोरियल है, कोई टेंशन नहीं, ये सारी चीजें हम बेस से लेकर जाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो, इज एम आर, आप मैं जानता बहुत सारे लोगों को आता होगा, लेकिन कुछ हमारे दोस्तों ने जिनको नहीं आता होगा, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज इज, ये मेरा थोड़ा सा राइटिंग पैड, हाँ इज है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एम है। जब कभी भी ये देखो दो कंडीशन में यूज होते हैं, कब कंडीशन में, दो कंडीशन में, जब कभी भी कहीं किसी सिंगल इंडिविजुअल के अगर बारे में बात करो, जैसे अगर मैं बात करूं ओमकार इज अ गुड बॉय, तो ओमकार क्या है, एक बंदा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इज यूज किया। अब शामू इज अ पर्सन, शामू एक बंदा है, इसलिए मैंने क्या किया, इज यूज किया। और वही अगर एक से ज्यादा होता तो क्या मैं इज यूज कर सकता हूं, तो इसका जवाब है ना, नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये इज जो है हम सिंगल पर्सन के लिए यूज कर सकते। अब सिंगल पर्सन में क्या किसी का नाम हो सकता है, जैसे मैंने अपना नाम लेके बताया, और दूसरा क्या हो सकता है, प्रोनाउन। अब लड़के के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, तो वहां पे इज आ जाएगा, शी यूज करते हैं वहां पे आ जाएगा, इट यहां पे आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इट कहां यूज होता है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट व्हाट यू आर गोइंग टू से इज एम का यूज होता है, एम मतलब मैं, एम मतलब मैं, एम मतलब मैं, और मैं हम कैसे निकलते हैं इंग्लिश में, आई। एम हमेशा जो जाता है वो किसके साथ जाता है, आपके आई के साथ जाता है, ठीक है। जहां जहां आए वहां वहां एम, जहां जहां आए वहां वहां एम। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम अ बॉय, मैं इस तरह से बोलता हूं, मैं कभी ही एम अ बॉय नहीं बोलता हूं, क्लियर हो गया। तो ये हो गया मेरे ख्याल से आपको क्लियर, और कुछ डाउट नहीं होगा। दूसरा है कि आर, जब कभी भी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे दे आर, वी आर, ठीक है, हम लोग शी आर नहीं बोलते, कभी ही आर कुछ नहीं बोलते, क्लियर हो गया। वो कभी भी, जब कभी भी एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, ही और आर। अब यहां पे सवाल 1 करोड़ का यहां पे मेरे पास उठ के आ रहा है, सर हाव कहां यूज करते हैं, हाव आपके दो लग के लिए, जब मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूं, जब मैं क्या कर रहा हूं, खुद के बारे में मतलब मैं क्या यूज कर रहा हूं, आई यूज कर रहा हूं, तब हाव आएगा। वही जब मैं क्या करूं, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करो, इसको पंचायत बोलते हैं, ये खुद के बारे में तो देखता है, लेकिन साथ ही साथ ये बाकी पूरी गांव धड़कती है, तो यहाँ पे दे जब आया तो वहां यूज होगा, वी आया तो वहां यूज होगा, तो इस तरह का हैव यूज होता है। अब इसमें बचा क्या, सिंगल पर्सन बचा, तो हैज कहां यूज होता है, जब कभी भी हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, हैज यूज करते हैं। इतना क्लियर है सबको, ठीक है, कछु डाउट मेरे ख्याल से नहीं होगा। यहाँ पे अब ये जो इज और आम दिख रहा है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जब प्रेजेंटेशन में होते हैं इसको हम लोग इज और आम बोलते हैं, वही जब ये पास्ट टेंस में जाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वॉज बोलते हैं। वही जब ये आर होता है तो आर प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन वही पास्ट टेंस में चला गया तो वर्ब बन जाता है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपका हैव और हैज होता है तो पास्ट में क्या हो जाता है, ये हैड हो जाता है, क्लियर हो गया पक्का। तो यहाँ पे मैं कन्वर्जन के भी आपको बेसिक सिखा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी अड़चन ना हो, इस वजह से ये चीजें मैं आपको यहाँ पे क्या बतला के दे रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, इतनी जल्दी क्या। और जब कभी भी सेंटेंस में विल और शाल दिखे तो भैया बोल, सिटी के बाकी बोल भैया फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो मेरे ख्याल से आप सभी को इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ये बेसिक मैंने चीजें समझाई। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट साइड में अब प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं भैया, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं। अब प्रेजेंट टेंस चार टाइप है, कितने टाइप है, चार टाइप है। सबसे पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बच्चे वाला सिखा रहे हो, भैया ये बच्चे वाले में तो आप गलती करके आ, तो क्या करते हैं मालूम है, ये सिंपल की जगह प्रेजेंट लिख देते, प्रेजेंट की जगह सिंपल लिख देते, और लिख के आता है सर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है। भैया आप पहचान तो बिल्कुल सही हो, लेकिन जो लिखने का तरीका है वही गलत लिखोगे तो टीचर मार्क्स देगी क्या, टीचर तो ऐसा ऐसा जीरो मार्क्स देगी, और इसमें हम ऐसा गोला 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 बना सकते बस, और कुछ कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज के लिए ही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब सबसे पहली चीज आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मेनली आपको किस पर फोकस करना है, अक्षय कुमार पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, अक्षय कुमार पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि अक्षय कुमार क्या करता है, एक्शन करता है, और एक्शन मतलब हमारे इंग्लिश में क्या होता है, वर्ब होता है, इसलिए इजिकल्स टू अक्षय कुमार इजिकल्स टू वर्ब, ठीक है। अब
वर्ब पे आपको ध्यान देना है। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो आपके नॉर्मल फॉर्म में यानी गो है, ठीक है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या फिर गोज है, ठीक है। अब इसमें रिलेशन कैसा है, दो दोस्तों वाला रिलेशन है, ठीक है। अगर एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त क्या होता है, कपल होता है, सही बात है। अगर एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा क्या होगा, कपल, मतलब वाइस वर्सा चलता रहता है, ये सिंगल है तो ये कपल होगा, अगर ये सिंगल है तो ये कपल होता होता है, ये दुख भरी जिंदगी इसमें ऐसा होता रहता है, क्लियर हो गया। तो सेम चीज, जब कभी भी एक बंदे की बात होगी, जब कभी भी एक बंदों की बात होगी तो वहां पे क्या यूज किया जाएगा, ही गोज यूज किया जाएगा। अब पूछो क्यों, ये दोनों दोस्त है, ये दोस्त सिंगल है तो ये दोस्त कपल होएगा कि नहीं होएगा, होएगा होएगा पर जरूर होएगा, क्लियर हो गया। सेम चीज अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये दे हम कितने लोग हो, जब एक से ज्यादा लोग होते तो हम दे यूज करते, सही बात है। और वहीं जब अब ये दोस्त कपल है तो ई का होएगा, ये सिंगल होएगा, इतना चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। जैसे गो आ गया, गोज आ गया, टॉक्स आ गया, टॉक आ गया, दिस आर ऑल द काइंड ऑफ द सेंटेंस विच आर इंक्लूडेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको, कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। चलो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो भी मैं प्रेजेंट टेंस, तो देखो आपको मैंने प्रेजेंट टेंस के लिए कितनी चीजें याद रखने बोली थी सर, आपने पांच चीजें याद करने बोली थी, तो उसमें से तीन की जरूरत है यहाँ पे। देखो जब कभी भी सेंटेंस में ईज आया, एम आया, आर आया, अब इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, इज एम आर आया प्रेजेंट टेंस। अब इज एम आर के साथ देखो जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आता है तो वर्ब हमेशा क्या आएगा, वर्ब हमेशा आईएनजी आएगा, क्या आएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा इज गोइंग, एम गोइंग और आर गोइंग, इतना क्लियर है आपको सभी को, तो इट मींस ये कंटिन्यूस टेंस। और एक ट्रिक और बता दो, जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आ रहा है तो मतलब क्या हो गया, ये हमेशा आपका जो वर्ब है वो आपके किस में रहेगा, वो आपके आईएनजी फॉर्म में ही रहने वाला है और कोई भी फॉर्म में नहीं जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी भी टेंस में आइडेंटिफाई करने बोला है, एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द टेंस, और वहां पे वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो समझ लेना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा या फिर परफेक्ट रहेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिपेंडिंग अपॉन दी हेल्पिंग वर्ब व्हिच इज यूज्ड, क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब इतना क्लियर हो गया, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, आर है तो मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करूं तो क्या आता है इसमें, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो चलो कर लेते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या आता है, आपका हैव आता है और हैज आता है, और वो आप कौन से फॉर्म यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म में, हैव गॉन और हैज गॉन। और हैव कहाँ यूज होता है, हैव कहाँ यूज होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ठीक है। ये देखो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये क्या कॉम्बो है, कॉम्बो किसका कॉम्बो है सर, ये आपका हैज और हैव का। तो सबसे पहली चीज परफेक्ट में हमने सबसे पहले क्या यूज किया, हैव और हैज यूज किया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा हैव और हैज, ठीक है। अब चाइनीज बेल खाई आपने, खाइए कि नहीं खाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब चाइनीज बेल आप खा रहे हो तो वहां पे कॉम्बो जब खाते हो तो मंचूरियन के साथ शेजवान मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना सर, तो यहाँ पे शेजवान का काम कौन करेगा, बीन करेगा, कौन करेगा, बीन, तो यहाँ पे चलो बीन बीन बीन, ठीक है। अब क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, तो जब कभी भी वर्ड कंटिन्यूस आता है इट मीन्स दैट सेंटेंस कौन से टेंस में, आपका वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। क्या बात बोला है सर आपने, वाह वाह, क्लियर हो गया। जब कभी भी हैव बीन गोइंग और हैज बीन गोइंग आ रहा है इट मीन्स दैट इट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्लियर हो गया। अब वर्ब चेंज हो सकता है लेकिन ये जो मैंने ये वाले पार्ट बताया ना ये सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई। पास्ट में क्या है सर, पास्ट में मेरा पास्ट नहीं सर, ये आपका कौन सा टेंस वाला जो पास्ट है इसका पास्ट सर, तो इसमें क्या आएगा, चलो बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे मैंने क्या किया था, मैंने ऑलरेडी बताया था, देखो सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट टेंस का गो का क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज आ रहा है। प्रेजेंट में हम क्या लिखते थे, इज एम आर लिखते थे, और इज एम पास्ट में क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, और आर का क्या रहता है, वर्ड हो जाता है, ठीक है। अब कंटिन्यूस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी फॉर्म में आएगा। मेरे जहन में एक सवाल आया, पूछ लू, पूछो सर, पूछना ये है कि आपका, देखो सीधी सीधी बात अगर मैं बोलू तो सर आपने यहां पर वेंट लिखा है, क्या लिखा है, वेंट लिखा है, वेंट लिखा है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं क्या हुआ पाठक जी, ठीक है, तो यहां पे सर आपने गोइंग क्यों लिखा, वेंटिंग क्यों नहीं लिखा। देखो
ये देखो, अब अपने V1, V2, V3, V1 प्लस ING, ये अपने पढ़ा होगा, तो हमेशा जो ING लगता है वो V1 के साथ लगता है, इसलिए जो गो था वो हमारा V1 था, प्लस ING क्या था, ये गोइंग होगा, कभी भी वेंटिंग नहीं होता, गोइंग होता है, क्लियर हो गया। हाँ लेक्चर है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप दो, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, थोड़ा हैंडराइटिंग इधर उधर हो रहा है लेकिन संभाल लेना भाई, लाइट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दो, अब प्रेजेंट में क्या था, हैव और हैज था, पास्ट में होगा तो क्या बनेगा, ये आपका हैड बनेगा, क्या बनेगा, हैड बनेगा, क्लियर हो गया। हैड है तो हैड के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा, ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया कुछ नहीं चेंज हुआ है, जो कन्वर्जन मैंने पहले सिखाया था वही है। अब हैड का क्या हो जाएगा, हैड तो गो का क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन हो जाएगा, ये एक नंबर, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे टेंस वाली जो टॉपिक है मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं, सेम चीज, कॉम्बो बनेगा, हाँ सर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, एक नंबर बनेगा। परफेक्ट में क्या यूज किया सर अपन ने, हमने हैड यूज किया सर, शेजान का काम कौन करेगा, सर बीन करेगा, क्या बात है, दिल खुश कर देता तुझसे, ठीक है। अब कंटिन्यूअस आया, अभी बताएगा मेरे कंटिन्यूअस तो आप कौन से फॉर्म में लगेगा, गोइंग फॉर्म में लगेगा, आईएनजी फॉर्म में लगेगा, सॉरी थोड़ी भावनाएं मेरी निकल गई लेकिन क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है, इसमें से मेरे ख्याल से कुछ डाउट नहीं है, तो यहां पे आपको क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, अरे सर फ्यूचर वाला तो बता दो, देखो अब फ्यूचर वाला इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फ्यूचर वाला इतना आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी है तो यहाँ पे मेरी एक सेपरेट वीडियो आने वाली है ग्रामर की, एक ही टॉपिक की, तो वहां पे मैं आपको इजिली क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चलो यहाँ पे आप सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई द टेंस, ये वाला टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। अब ये जो सवाल होने वाला है तो 10 करोड़ का सवाल होने वाला है, और ये जो है किसी को बताना मत, ये आपके और मेरे बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, देखो शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, शी इज टीचिंग हर स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करने का है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड कर लिया, रीड कर लिया। प्रेजेंट टेंस के लिए क्या चीजें याद करने बोले थे, मैंने बोला था सर 5 चीजें याद करनी, इज एम आर हैव हैज, सेंटेंस में क्या इज एम आर हैव हैज दिख रहा है, अरे सर दिख रहा है, क्या है इज है। अब जब कभी भी इज एम आर हैव हैज दिख रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये 100% कौन सा टेंस है, ये अपना प्रेजेंट टेंस है, क्या बात है सर, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें तो मुझे कुछ भी डाउट नहीं है, ये तो मेरे दिल से निकला हुआ जवाब है। वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में सर, वर्ब मतलब कौन, अक्षय कुमार, क्यों, क्योंकि एक्शन हीरो भाई अपना, ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म है, तो ये हाँ, तो ये तो आईएनजी आया तो कौन सा फॉर्म, कंटिन्यूअस वाला, तो ये मेरा कौन सा आंसर बन गया, ये मेरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्या बात है, एक नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, ही ईट्स विथ हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से क्या खाना खाता है, सबसे पहली चीज। सेंटेंस में इज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, आम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, आर आ रहा है क्या, अरे सर नहीं आ रहा है, हैव और हैज वो भी नहीं आ रहा है। अब चलो पास में चलते हैं, पास में 3 चीजें, वाज नहीं है, वर नहीं है, हैड है, हैड भी नहीं है सर, विल और शाल है क्या, विल और शाल भी नहीं है। अब क्या करें, लॉजिक क्या है, एक दोस्त सिंगल है तो दूसरा दोस्त क्या कपल है, सही बात है। तो यहां पे देखो ये ही है, ही किसको इंडिकेट करता है, एक पर्सन को, मतलब ये क्या है, सिंगल है। इट्स कितने लोगों को करता है, आपके इट्स एस से आया, एस जब कभी भी एक से ज्यादा लोगों पे, तो यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं बस, ठीक है। तो यहाँ पे कपल है, तो सिंगल कपल किस में आते हैं, आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं सर, समझा कि नहीं समझा, समझ गया। देखो भैया इस तरह से जाओगे तो ये हमारा गारंटी है कि आपका जो आंसर है वो भी टेंस वाला हो, तो कभी गलत ही नहीं होने वाला है, क्लियर हो गया। अब आते हमारे पोपट लाल जी, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है और इन्होंने एक बार अपनी शादी खुद कैंसिल कर दी, ठीक है। अब क्योंकि किस लिए की गई वो मुझे भी नहीं पता, पोपट लाल जी से बात होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब सवाल का जवाब देते हैं, चलो सबसे पहले चेक करना चालू कर दो, इज एम आर हैव हैज है, सर नहीं है, वाज वेयर हैड है, अरे सर वाज वेयर हैड भी नहीं है, सिंगल और कपल वाला सेम है, अरे सर ये पोपट लाल तो हमेशा से सिंगल है, ठीक है, यहाँ पे कपल वाली चीज कहां से है, ये पोपट लाल है। अब देखो अक्षय कुमार दिख रहा है, हाँ अक्षय कुमार मतलब वर्ब दिख रहा है सर, कैंसल ईडीआर है, इट मींस ये कौन सा है, V2 है, मतलब ये कौन सा टेंस है, ये सर आपको क्या ही बताओ, ये हमारा ना सिंपल पास्ट टेंस है, क्या बात है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए 1 करोड़ का सवाल है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बता देना,
ताकि हमें एक समझ में आ जाए। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट हो ही नहीं सकता। अब आते हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अब ये मैंने बताया था कि टेंसेस में आपको दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला वाला आएगा आपका क्या, आपको आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, और नेक्स्ट वाला क्या आएगा, चेंज द टेंस। अब ई का दिया है, वी आर वेटिंग फॉर देम, और ब्रैकेट में दिया पास्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है, समझे, इसमें इसको आपको कन्वर्ट करना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहली चीज क्या करना, आपको ये आइडेंटिफाई करना कौन सा टेंस में दिए, वी आर, इज, एम, आर। अरे सर ये था प्रेजेंट टेंस है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में, मतलब कौन सा टेंस हो गया, ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाला टाइप है सर। कन्वर्ट किस में करना है, पास्ट कंटीन्यूअस में, आर है ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा, आर का पास्ट में वर्ब जाता है सर, आप ही ने बताया था, आप मैंने ही बताया था ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, और कंटीन्यूअस में वर्ब आईएनजी आएगा, आएगा तो यहां पे कुछ नहीं करना है, तो सीधा सीधा वी आर के बदले क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या बात है, वेटिंग फॉर देम, ये पूरा एज इट इज लिख दो, आपका आंसर 100% राइट, दिल आपने खुश कर दिया और मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे ऐसे करोगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, She loves the lesson. Is, am, are, how, has? अरे सर नहीं है, was, were, had है, सर नहीं है, will, shall, ये तो कतई नहीं, सिंगल और कपल है ना सर, ये she सिंगल है और loves कपल है, तो कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसको किसने कन्वर्ट करना, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, तो चलो she कर लेंगे, she हो जाएगा, छी 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 ठीक है, loves, she है, तो परफेक्ट में क्या आता है, हाव आता है और हाज आता है। अब आप मुझे बताओ क्या लगेगा, हाँ में तो सर आपने बताया था आई लगता है, और जब एक और एक से ज्यादा यानी दे वी लगता है, हाज में सिंगल यानी ही शी लगे, तो शी है तो क्या लगेगा, हाज लगेगा, लर्न्स है तो लर्न्स का क्या हो जाएगा, लर्न्ड हो जाएगा। क्या बात है, और द लेसन ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट, वो जो किताब है हर रात पढ़ती है, पढ़ना भी चाहिए भाई, तभी तो देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। क्लियर हो गया, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। सबसे पहली चीज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, टेंस कौन सा है, सिंगल और कपल वाला सीन वापस आ गया, हाँ सर आया है, ये सिंगल और कपल से तो मैं परेशान हूं ठीक है। शी है, लिख दो सर शी है, पास्ट में बोला है तो पास्ट में, अगर प्रेजेंट होता तो हम लोग इज लिखते हैं, और इज का पास्ट क्या होता है, वॉज होता है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे वॉज लिख देंगे। क्या बात है सर, रीड्स है, कंटिन्यूअस है, रीड्स का क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, A book every night, ये आपको पूरा एज इट इज का कॉपी कर लेना है, और that's it, we are done with the tense वाला टॉपिक। और आई होप आपको टेंस समझ में आ गया, समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि ये जो आपका दोस्त है इसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा ज्ञान मिले, और ये आपको नेक्स्ट टॉपिक पे खुदा के लेके चलाए। तो चलो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे चलते हैं। सबसे पहली चीज, सेंटेंसेस होते कितने, सेंटेंसेस बेसिकली अगर मैं बात करूं चार टाइप के सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला असर्टिव आता है, इंपरेटिव आता है, इंट्रोगेटिव आता है, और एक्सक्लेमेटरी आता है। सर ये असर्टिव क्या है, इंपरेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है, शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ जाएंगे थोड़ा अलग अलग विषय, और ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन है उसके पीछे, रीजन क्या है, रीजन ये है कि आपके एग्जाम में आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएगा, तो कैसे आएगा बताता हूं। देखो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी फैक्ट क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं जेठालाल, जेठालाल कौन सा लाल, जेठालाल पोपटलाल नहीं, जेठालाल जो है गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, फैक्ट है भाई, जेठालाल इज द ओनर ऑफ गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये क्या असर्टिव सेंटेंस है। अब स्कूल में हो, पहला लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में टेस्ट है, दूसरे लेक्चर में टीचर आई कि आपकी जो साइंस की टीचर है वो आई नहीं है, और आपका ये प्रॉक्सी है, तो टीचर ने डिक्लेयर किया है कि भैया कि आज जो है तीसरे लेक्चर में जो आपका साइंस का पीरियड था उसकी मैडम आई नहीं है, तो तीसरा लेक्चर क्या प्रॉक्सी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव बोलेंगे, समझा। असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव बोला जाता है, डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव बोला जाता है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इंपरेटिव क्या होता है, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, अरे रिक्वेस्ट आएगा, और सजेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सजेशन मिलेगा, इट मींस दैट कि ये जो सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। चलो मोटा मोटा नहीं, पतला पतला डाइट वाला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या, सीधा सीधा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इधर ऑर्डर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक, क्लास के बाहर निकलो, ऑर्डर दिया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। मम्मी ने बोला बेटा इधर, बोला ना, तो हमारी रूह कांप जाती मम्मी जब ऐसा बोलाती, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। रिक्वेस्ट क्या हो गया,
टीचर बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, तो ये ऑर्डर हो गया। हम बोलते हैं प्लीज टीचर सॉरी, तो प्लीज मतलब क्या हो गया, इट इज एन रिक्वेस्ट। सजेशन मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलते हैं भाई तो बाल ऐसे करवा ले तो सलमान खान शाहरुख खान से कम तो नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा जरूर। तो ये क्या दिया, सजेशन दिया मैंने, इंपरेटिव सेंटेंस। और आज जिंदगी में हमें सजेशन देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, सही बात है, कुछ तो गलती नहीं है लेकिन सजेशन बहुत चीज दे देते हैं हमें। तो उसी तरह से ये आपका इंपरेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कल कहां थे, क्या कर रहे थे, कल गरबा नाइट में कौन सा ड्रेस पहन के आने वाले हो, कल मुझे कहां मिलने वाले हो, कल कहां घूमने जाएंगे, ये सारी चीजें मैंने क्या की, मैंने आपसे सवाल पूछी है। तो सवाल को ही इंग्लिश में, सवाल पूछना को ही हम इंग्लिश में इंट्रोगेशन बोलते हैं, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, इंटरोगेटिव बोलते हैं। इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन मार्क दिखा तो चुपचाप क्या बोले, ये तो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, ठीक है। ठीक है सर, अब एक्सक्लेमेटरी मतलब क्या था, छोटा है ना, छोटा है, ये इस तरह से होता है, इसी को क्या करने का, घुमा देने का। अब जो घुमाएंगे तो डंडी ऊपर और बिंदी नीचे, ठीक है, ये आपकी काजल वाली बिंदी नहीं है, हाँ ये आपकी एक्सक्लेमेटरी मार्क होती है। और जब कभी भी आपको इस तरह का मार्क दिखे तो चुपचाप कुछ नहीं बोलना है, ये बोलना भैया एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला सेंटेंस है। अब सवाल सर, ट्रिक बता दी, लेकिन मुझे ये भी तो बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है क्या है। जैसा फॉर एग्जाम्पल कोई मर गया, हम लोग कहते हैं अरे रे रे बेचारा, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, अभी क्या ही उम्र थी उसकी। तो ये जो अरे रे रे, हम लोग सोच के रखते क्या अभी वो इंसान मरेगा तो मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद बोलूंगा, मैं बोलूंगा अरे रे रे बेचारे के साथ बहुत बुरा, ये सोचते नहीं, ये हमारे अंदर से निकल रहा है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास है 3:30 बजे का मैसेज डाला हुआ था, अचानक से मैसेज डाल दिया 4:30 बजे का मैसेज डाल दिया, और 3:30 बजे क्लास की पहुंच गए, सर आप ये बोलते सर 3:30 बजे 4:30 की क्लास है, आप बोलते अरे शिट यार। तो ये क्या हो गया, ये अचानक से नहीं, इट मीन्स दैट इट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको मीनिंग सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलो सहा। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल्स दिए, मैं फटाफट बता दूं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से होता है, ये बेटे वाला सन नहीं, ये सूरज दादा वाला सन है, ठीक है। तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस में, देखो प्लीज एक्सेप्ट माय अपोलॉजी, रिक्वेस्ट दिया, आस्क शाम फॉर द रेसिपी, शाम से रेसिपी के लिए पूछो, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। What is your name? आपका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने प्रश्न का हल निकाला, तो ये मैंने सवाल पूछा, एक्सक्लेम इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, अल्लास बेचारा मर गया, कुड नॉट बी वन द मैच, क्या बात है, ठीक है। तो इतनी चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट सवाल का जवाब, अब आता है क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग होता क्या है, सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन टैग की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है सर, ये जो टॉपिक है हमें बचपन से दिया गया लेकिन इसका मतलब क्या है, ये इसको हमें समझने में थोड़ा सा ये जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो सीधी सीधी बात, भाषा में अगर मैं बात बोलता हूं क्या है कि मम्मी बाहर गई है, ठीक है, मम्मी ने खाना बना के गया था, अब मम्मी फोन करती है, बोलती है हेलो, मैं बोला हेलो, मम्मी पूछती खाना खाया, मैंने बोला हाँ खा लिया, तो मम्मी वापस पूछती सच में खाया क्या, तो ये जो सच में खाया वाला जो सेंटेंस मम्मी ने बोला किसके लिए बोला, ये कंफर्मेशन के लिए बोला। तो ये जो कंफर्मेशन होता है इसी चीज को तो हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। मैंने मेरे दोस्त को बोला कल घूमने चलेंगे, तो बोलता हाँ चलेंगे ना, क्यों नहीं चलेंगे, तो मैंने उसको बोला पक्का घूमने के लिए चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो ये मैंने क्या किया, मैंने कंफर्मेशन किया, तो ये कौन सा टेंस हो गया, कौन सा टैग हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, पक्का। अब नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं तो इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्लियर हो गया। देखो जिंदगी में हमें दो तरीके के इंसान बोलते हैं, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत रहती है, पॉजिटिव होता है, और एक ऐसा इंसान जो नेगेटिव रहता है, जो हमेशा हर चीज को लेकर नेगेटिव रहता है, सही बात है। अब ये जो पॉजिटिव वाला इंसान है, अरे चेंज होगा इसका माइंडसेट किस में चेंज होगा, ये नेगेटिव में चेंज होगा, ये तो नेगेटिव वाला है इसको क्या होगा, ये पॉजिटिव में चेंज होगा। लेकिन ये सर ये आप क्यों बता रहे हो, बता रहे हो ना भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, बता रहे हो, बता रहे हो, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वैसे अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसमें टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, अगर वही सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अरे सर पॉजिटिव क्या होता है वो तो मुझे पता ही नहीं, और नेगेटिव क्या होता है मुझे पता ही नहीं, ये तो प्लस माइनस मैंने देखा था बैटरी पे, बताता हूं। देखो इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसके अंदर नॉट नहीं आता है,
और नेगेटिव किसको बोलेंगे, जिसके अंदर नॉट आता है, क्लियर हो गया पक्का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का खेल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन टैग की हेल्पिंग वर्ब्स पे। अब सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव वाला साइड है, ये नेगेटिव वाला साइड है, क्लियर हो गया। अगर पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब इज है तो नेगेटिव क्या आएगा, इजंट आएगा। ओ वाज है, अरे सर वाजंट आए, कुड तो क्या आएगा, कुडंट आएगा। फिर अगर हैव है तो सर हैवंट आएगा, अगर हैज है तो हैजंट आएगा, आर तो आरंट आएगा। इतना चीजें क्लियर हो गया मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। फिर आता है क्या, आम है तो आम का एमेंट है, अरे सर क्या कुछ भी मत पढ़ाया करो, इधर क्या लिखे और क्या पढ़ा रहे हो। आम है तो हमारी जिंदगी में कुछ स्पेशल लोग होते कि नहीं होते, तो वैसे सेम चीज इसमें भी क्या कुछ हमारे स्पेशल लोग है। तो आम है तो आम का क्या होता है, आरंट होता है। विल है तो विल का क्या होता है, वोंट होता है। शाल है तो शाल का शाल, अरे रे रे शालेंट नहीं होता मेरा भाई, क्या होता है, शांट होता है, क्या होता है, शांट। क्लियर हो गया, ये थोड़ा सा इनके जिंदगी में कोई स्पेशल लोग नहीं है, सर जैसा आपकी जिंदगी में कौन है प्लीज कमेंट सेक्शन करके जरूर बताना, ठीक है। अब आते हैं, ही इज गोइंग टू मार्केट, सीधी सीधी अब सवाल का जवाब कैसे देना है उसकी ट्रिक। ही इज गोइंग टू मार्केट, सबसे पहला चीज क्या, ही इज गोइंग टू मार्केट, सेंटेंस रीड कर लिया सर। अब सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नॉट आ रहा है क्या, नहीं तो पॉजिटिव है, सही बात है। टैग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो लिखना कैसे, चलो वो भी बता दो, मैं एक लिख के बताऊंगा, बाकी आपको लिखना है, ठीक है। ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब कॉमा डालना है, कॉमा डाला, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, तो इज का क्या होता है, इजेंट होता है सर, क्या बात है। अब इजेंट के पहले क्या ही है, तो ही एज इट इज लिख देंगे, हो गया क्या, नहीं लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना भूलना होता है ना, टीचर मार्क्स काट देगी और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर हो गया वापस, दे आर प्लेइंग मैच, आर क्या हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस क्या पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है, कॉमा डालेंगे, डाल दो सर जी, ठीक है। अब आर है तो आर का क्या जाएगा, आरेंट हो जाएगा, ठीक है, मैं अभी ऐसा लिख रहा हूं लेकिन टाइम बचाने के लिए। और दे का क्या जाएगा, दे का दे ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क क्लियर हो गया। ही विल गो टू स्कूल, विल है, विलेंट आएगा क्या, नहीं ये तो हमारा स्पेशल वाला बंदा है, तो विल का क्या आ जाएगा, वोंट हो जाएगा, ठीक है। और ही का क्या रहेगा, ही रहेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो इस तरह से आपका क्या आएगा, ये वाला टाइप आएगा, ठीक है। अब आता है टाइप टू पे, टाइप टू में कुछ नहीं है, इजी है। अब टाइप टू पे आपको नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, बस आपको पॉजिटिव करना। अब देखो, ही शाम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट, सेम प्रोसेस, सेंटेंस रीड किया, पॉजिटिव है नेगेटिव, सर नेगेटिव है, सर नेगेटिव क्यों है, लेकिन क्लियर सेंटेंस में दोस्त नॉट आया ना, तो इस वजह से नेगेटिव हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या, इज है। अब इज के बाद शाम लिखेंगे क्या, नहीं बेटा शाम नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते दोस्त, शाम इस वजह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि शाम इसलिए नहीं लिखेंगे शाम के बदले, क्योंकि हम क्या लिखने वाले, प्रोनाउन यूज करने वाले। अब शाम क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए हम लोग ही यूज करेंगे, और वही लड़की होती तो छी यूज करते, क्या यूज करते, छी, छी यूज करते, सॉरी छी नहीं बोलेंगे हम लोग, ही, ठीक है, इजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, डन, सेम चीज, राम एंड शाम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, सेंटेंस पॉजिटिव ही नेगेटिव, सर नेगेटिव है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लेना, फिर कॉमन डालना आपको, आर का क्या रहेगा, आर का आर, आर का आर ही रहेगा, आर नॉट है ना, तो आर का क्या देगा, आर हो जाएगा। और राम और शाम दो है, तो दो लोगों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे, वही एक होता तो हम क्या यूज करते, ही यूज करते, बट दो है तो दो के लिए हम लोग दे यूज करेंगे। ही वी वी विल नॉट गो टू स्कूल, और वोंट आएगा क्या, नहीं सेंटेंस नेगेटिव है, तो डार्क पॉजिटिव है, तो विल बी, क्वेश्चन डन। टाइप टू भी होगा, टाइप थ्री पे आते हैं, टाइप थ्री बहुत इजी है, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर आया तो, रिक्वेस्ट आया तो, सजेशन आया तो। देखो अब ग्रेट ऑर्डर्स मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको बेसिक से लेके जा रहा है। अब चाहता तो मैं क्वेश्चन टैग आपको पहले पढ़ा सकता था, बट क्यों नहीं पढ़ाया, रीजन था क्योंकि आपको इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया। अब आप बोलिए सर आपने टेंसेस पहले क्यों पढ़ाया था, आगे पता चल जाएगा भैया क्यों किया था, ठीक है। अब ये क्या ओपन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, अरे सर नहीं दिख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, अरे सर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस कहां से होएगा, इतना नहीं पता आपको, पता है यार क्या होता है, कुछ होता है जिंदगी में, ठीक है। ओपन योर बुक, अब ओपन योर बुक क्या ऑर्डर है, जब कभी भी इस तरह का ऑर्डर आएगा तो क्या कहनेगा, चुपचाप विल यू लिख देने का, क्या लिख देने का, विल यू लिख देने का, क्लियर हो गया। कुछ भी आए, ओपन योर बुक, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, विल यू, गिव मी योर पेंसिल, विल यू, तो ये हमेशा ऐसे आएगा, इसमें कुछ भी टेंशन नहीं है। अब जब कभी भी आपको लेट्स आया, सेंटेंस लेट्स आया, तो याद रखना ये क्या, लेट्स गो टू पार्टी, सजेशन दिया है, चलो पार्टी में चलते,
तो यहां पे क्या आएगा, हमेशा शाल भी आएगा, क्या आएगा, शाल वी क्वेश्चन मार्क, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आएगा, क्लियर है। अगर ऑर्डर आया तो हमेशा क्या लिखोगे, विल यू लिखोगे, और वहीं अगर आपको लेट्स आया तो शाल भी लिखोगे। इतनी चीजें क्लियर है, पक्का इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब वापस एक और टाइप, दिस इज टाइप फोर, टेंसेस वाला टाइप है। कौन सा वाला टाइप है, टेंसेस वाला टाइप। सर टेंसेस, हाँ देख रहा हूं। अब ही वर्क्स है, अब जब भी कभी भी देखो, अब इसमें हमें ना वर्ब दिया है, ना वर्ब दिया, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं। अब क्या करने का, देखो वर्ब देखने का, वर्ब कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एस्केप फॉर्म में दिख रहा है। जब कभी भी वर्ब एस्केप फॉर्म में लगेगा तो यहाँ पे डज नहीं तो डजंट आएगा। अब कैसे पता, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव, तो डज वहां पे यूज होगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो वहां पे डजंट यूज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डजंट आएगा। क्लियर हो गया, इजी ट्रिक बता रहा हूं, डजंट ही। अब यहाँ पे देखो, ही वेंट टू स्कूल, वेंट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सही बात है ना, गो का, तो पास्ट है, पास्ट होता है V2, तो क्या आएगा, डिड, क्या रिटर्न, आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। अब दे ईट है, अब ईट है, ऐसा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे डज है, तो डज में ऐसा आ रहा था, तो वो वर्ब में ऐसा आएगा तभी डज आएगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एज नहीं आ रहा तो क्या आएगा, डू नहीं तो डोंट आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेंटेंस पॉजिटिव, टैग क्या आएगा, नेगेटिव, तो डोंट दे, क्लियर होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, डिडंट ही, ठीक है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन टैग वाला जो पूरा टाइप था वो क्लियर हो गया। अब आता है हमारे फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच होता है क्या, फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो फिगर ऑफ स्पीच इज नथिंग बट, अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होता है आपका, ये आपका होता है, ये आपके सेंटेंस को क्या करता है, अट्रैक्टिव बनाता है, थोड़ा सजाव दजा देता है, सही बात है। अब इसको हम बहुत अलग तरीके से सीखेंगे, ठीक है। अब फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले आता है सिमिली। सिमिली मतलब क्या होता है, आपने गाना सुनना होगा ना, ठीक है, चांद तारे फूल शबनम, तुम सच नहीं तुम जैसा कोई नहीं, ऐसा कुछ है गाना, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे हम लोग, थोड़ा गाना अल्टू पल्टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। तो यहाँ पे क्या किया, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया गया, क्या किया गया, कंपैरिजन किया गया है, क्या किया, कंपैरिजन। जैसे सीख बनना है तो बन शर्मा जी के लड़के जैसा बन, जैसा मतलब लाइक आ गया। जब कभी भी दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा और वहां पे लाइक और एज यूज होगा तो ये क्या होता है, आपका सिमिली होता है, क्या होता है, आपका सिमिली होता है। जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, तो सलमान खान जैसा स्ट्रॉन्ग है, तो यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज सलमान खान, क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली स्टेट कर दिया गया। ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, इज यूज किया जाता है, क्या, इज या फिर आर यूज किया जाएगा डायरेक्टली, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके मेटाफोर के लिए आप कर सकते हैं हम लोग, इज हो गया आपका, आर हो गया, जैसे लाइफ इज अ ज्वेल, ठीक है, लाइफ एक ज्वेल है, क्या लाइफ सच में ज्वेल है, नहीं, कंपैरिजन क्या है, लाइफ ज्वेल जैसा है, ठीक है, लेकिन जैसे लाइफ यूज किया गया ना, इसको स्टेट कर दिया, ठीक है। अलिटरेशन, अलिटरेशन में हमेशा क्या होगा, एक अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, वो बार बार क्या रिपीट होगा, क्लियर हो गया। तो ये अल्फाबेट जो है, ये जो अल्फाबेट है, ठीक है, रिपीट होगा, तो इसको हम लोग एलिट्रेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, तो एल 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 रिपीट हो रहा है कि नहीं, रिपीट हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एलिट्रेशन बोलते हैं। रिपीटेशन क्या होता है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या आता है आपका रिपीटेशन में, आपका आएगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पे वर्ड एक सेंटेंस में रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो, तो उसको हम लोग रिपीटेशन बोलेंगे। टोटोलॉजी में क्या आता, आता माजी सटकली, माला राग गया, तो सटकली मतलब भी क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है, राग मतलब भी क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है। तो ये क्या हो गया, टोटोलॉजी। जब कभी भी एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। तो एक एग्जाम्पल आप भी दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया, देखो जैसे इट वॉज अ कंटिन्यूस अनएंडिंग सॉन्ग, तो कंटिन्यूस है और अनएंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, चलते रहो कोई रोकेगा नहीं, और एंडिंग में नहीं, मतलब क्या, चलते रहो कोई रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा, क्लियर हो गया। फिर एंटीथेसिस की बात करते हैं, एंटीथेसिस में अगर मैं बात करूं, छोटे मैया छोटे मैया बड़े मैया सुबह नला, अब यहाँ पे क्या किया गया, दो छोटे मैया और बड़े मैया, छोटे मैया के अपोजिट बड़े मैया के अपोजिट छोटे मैया, तो वही चीज। तो जब कभी भी एक सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड आएंगे तो ये क्या होगा, आपका एंटीथेसिस होगा, क्या होगा, एंटीथेसिस। तो जैसे आर लॉस इज योर प्रॉफिट, लॉस का अपोजिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अपोजिट क्या होता है, लॉस होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर है। अब आगे आते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो आपने उमड़ना भाई गाना सुना होगा,
चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे। तो यहाँ पर चंदा मामा कभी सोते हैं? अरे चंदा मामा कैसे सोएंगे भैया, ये तो ह्यूमन क्वालिटी है। तो इसको सूरज चाचा कभी जाग सकते हैं? नहीं, ये भी ह्यूमन क्वालिटी। तो जब कभी भी एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग को, एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्या क्वालिटी दी जाती है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? पर्सोनिफिकेशन। क्या बोला जाएगा? द विंड ब्लू डाउन ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर। जो हवा थी ना, हवा वो गुस्से से। अब हवा गुस्सा कैसे कर सकती है? गुस्सा हम इंसानों की फितरत है। तो हवा का एक नॉन लिविंग थिंग है, एक तो एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग की क्वालिटी दी गई, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोला जाता है। फिर आता है आपका हाइपरबोल। अब हाइपरबोल मतलब फेंकना होता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, अभी आ रहा नहीं मेरे दिमाग में, फेंकने वाला एक गाना था यार, जैसे रोमांटिक सॉन्ग होते ना फेंके जाते, ठीक है। अगर मैं बात करूं, याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता दूंगा। फेंकना, बड़ी बड़ी फेंकना, ओवर एग्जैगरेटेड, मतलब बड़ा चढ़ा के बोला, यू आर लाइट एज फेदर, मतलब तुम पंखुड़ी जैसी हल्की हो। तो ये क्या, मैंने फेंक दिया, तो ये क्या हो गया आपका? हाइपर बोल हो गया। इतनी चीजें क्लियर है, तो इसमें कुछ मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो इंटरग्रेशन होता है। क्या होता है? इंटरग्रेशन, ठीक है। अब इंटरग्रेशन मतलब क्या होगा? सीधी सीधी बात होता है, क्वेश्चन मार्क आया, मतलब इंटरग्रेशन मतलब सवाल पूछा गया। इन्वर्जन में क्या होगा? आपके सेंटेंस उलट पुलट होंगे। क्या होंगे? सेंटेंस ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर होंगे। जैसे वेंट अप द बलून, तो ये उल्टा बोला गया। क्यों? ग्रामेटिकल ऑर्डर सही है क्या? नहीं, एक्चुअली सेंटेंस क्या आएगा? द बलून वेंट अप। क्या बात है भाई, एक नंबर, ये सेंटेंस आता है, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है? इन्वर्जन होता है। जब कभी भी सेंटेंस ग्रामेटिकली ऑर्डर में क्या नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? इंट्रोगेशन बार बार रिपीट हो गया, ये इंट्रोगेशन से ज्यादा ही कुछ प्यार है। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स मतलब कोई भी जो सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले होती है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज बाद में होती है, और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज एकदम आखिरी में होती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्लाइमेक्स, जैसे वो मेरे दोस्त बहुत होते हैं, फिर एडवाइजर। अब दोस्त की कंपैरिजन में एडवाइजर बहुत कम होता है, अब एडवाइजर के कंपैरिजन में कंस्पिरेशन और भी कम होते हैं, समझ में आ गया। अब एंटी क्लाइमेक्स में उल्टा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला पहला होगा, वेरी इंपॉर्टेंट वाला दूसरा होगा, और इंपॉर्टेंट वाला तीसरा होगा, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो आई होप यू गाइस विल हैव गेट इट, ठीक है। अब चेंज द वॉइस, आवाज बदलो। आवाज में अगर बात करूं तो दो तरह के वॉइस होते हैं, एक होता आपका एक्टिव वॉइस, एक होता आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक्टिव वॉइस देगा तो उसको पैसिव में बोला जाएगा, पैसिव बोलेगा तो एक्टिव में बोला जाएगा। अब पैसिव वॉइस कैसे पहचाना जाता है? तो पैसिव में बाय आता है हमेशा, क्या आता है? बाय आएगा, एक्टिव में बाय नहीं आता है, हाँ क्लियर हो गया। तो इसको पहचानेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिव में अगर ही दिया है तो पैसिव में वो हिम हो जाएगा, अगर शी दिया है तो हर, दे हो जाएगा तो देम हो जाएगा, वी का अस होगा, आई का मी होगा, और यू का यू होगा। ये याद करो फटाफट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टेंसेस क्यों दिया था, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिख रही होगी आपको, इसमें बहुत इजी है, कुछ नहीं करने का। देखो ये स्नैप पे स्नैप आ रहा है मेरे को, ठीक है। क्या बोला है? राज थ्रोज दी बॉल। राज क्या कर रहा है? बॉल फेंकता है। अब राज थ्रोज दी बॉल, सबसे पहली चीज, लास्ट बेंच पे कौन बैठा है? लास्ट बेंच पे बैठे है द बॉल बैठे है, तो इनको बुला लो पहले बेंच पे। तो लास्ट बेंच वाले पहले बेंच पे हाजिर हो, हाजिर हो गए। अब बॉल क्या है? एक है, तो क्या यूज करेंगे? आम यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, क्या आर? जब कभी भी कोई भी चीज एक होती है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? इज यूज होएगा, ठीक है। अब आइए, अब थ्रोज है, वर्ब क्या है? थ्रोज है। थ्रोज का क्या हो जाएगा? थ्रोन हो जाएगा, थ्रो थ्रू थ्रोन, इस थ्रोन बोलने का, ठीक है। फिर बोलो बाय बेटा, बाय, फिर बोल दिया बाय। अब सर फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है? राज बैठा है, तो राज बेटा लास्ट पे आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कंसेप्ट लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच, और फर्स्ट बेंच वाले लास्ट बेंच पे ही कंटिन्यू होता है। सेम चीज, दे आर पेंटिंग सम पिक्चर, लास्ट बेंच पे कौन है? सम पिक्चर्स है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे सम पिक्चर्स, क्लियर हो गया। अब एस से आर आएगा, क्या आएगा? एक से ज्यादा है तो आर आएगा। अब क्या बोला है? बींग आएगा, तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, आपको हो जाएगा। सम पिक्चर्स आर बींग, अब पेंटिंग है तो पेंटिंग का वर्ब पेंटिंग है, तो पेंटिंग आर विथ थ्री पेंट पेंटेड पेंटेड पेंटिंग आर बींग पेंटेड। फिर बोलो बाय, बाय बोल दिया सर, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा, पीछे ही पढ़ाया था, क्लियर है। अब आते वी हैव डन आवर होमवर्क, वापस आहा आहा, आर होमवर्क, लास्ट बेंच पे कौन है? आर होमवर्क,
लिख दो आर होमवर्क, ठीक है। अब फिर उसके बाद वी हैव डन आवर होमवर्क। अब फिर उसके बाद होमवर्क के, और होमवर्क एक है कि दो, एक तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे और होमवर्क, ठीक है। हैव बीन क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। फिर डन लिख दो, डन। फिर बोलो बाय बेटा, बाय। फिर क्या वी का क्या रहेगा, अस हो जाएगा, तो चुपचाप अस लिख देने का, क्लियर हो गया। तो ये एक लॉजिक बैठा दी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज सिंपल पास्ट में भी करनी है, बस यहाँ पे क्या आएगा मैं फटक से बता देता हूँ, आप कर लोगे। अब लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे आ जाएगा, फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच पे, बस। ऑस्ट्रेलिया, अब वहां पे हम ईजाम आ लगा देते, तो जहां पे ईजाम लगता था उसके बदले क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और जहां पे आर लगता था वहां उसके बदले वॉज लगेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। सेम चीज यहाँ पे भी है, जहां पे ईजाम लगता था वहां वॉज लगेगा, और जहां पे आर लगता था वहां वॉ लगेगा, फिर भी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये वाला मैं करवा देता आपको। वी हैव फिनिश्ड द जॉब विद अटमोस्ट, जब कभी विद आया, टू आया, तो ये सारी चीजों को क्या करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर इट, ठीक है। अब वी हैड फिनिश द जॉब विद द एटमोस्फियर, तो द जॉब लास्ट में क्यूब विद को क्लियर कर द जॉब। अब हैड बीन, फिर उसके बाद क्या वर्ब क्या फिनिश्ड है, फिनिश्ड ही आएगा। फिर क्या बोलेगा, बाय। वी का क्या आ जाएगा, अस। अब जितने चीजों को इग्नोर किया था वो आप लास्ट में लिख दो, दैट्स इट, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस का भी देखो, टू आया तो सेम चीज है, कुछ नहीं करना, ऑल है, और लिख दो इधर लास्ट बेंच में। विल बी एक्सप्लेन का क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन, ठीक है। बाय अस टू अदर, क्लियर हो गया। अब इंपरेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, इंपरेटिव सेंटेंस में भी सेम चीज है। सबसे पहली चीज क्या आ जाएगा, आपका लेट आ जाएगा। देखो यहां पे ये जो सीक्वेंस दिया ना मैंने, वो फॉलो करो, लेट आ गया, लेट आ गया। फिर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है, सर डोर है, लेट द आएगा, द डोर। फिर क्या है, बी है, बी। अब शर्ट का क्या आएगा, शर्ट ही रहेगा, क्लियर हो गया। मॉडल लग्जरी सेम चीज, मॉडल लग्जरी। अब सबसे पहले चीज, लास्ट बेंच पे कौन है, स्वीट्स है, तो स्वीट्स लिख दो। अब मॉडल लग्जरी क्या है, वुड है, तो वुड आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बी लाइट का क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। बाय आएगा क्या हो जाएगा, बी, क्लियर हो गया, डन, ठीक है। इसमें कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो आगे क्या होने वाला है, अब मॉडल ऑक्सिलरी की अगर हम बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरी में क्या होने वाला है, मॉडल ऑक्सिलरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मॉडल ऑक्सिलरी में आपका क्या होगा, अब यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेटेड फंक्शन, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब आपका क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, हैव टू। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं ये भी मैंने चीज आपको बताया। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई द मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, कैन है, सही बात है। अब इसको ट्रांसलेट करना, आई कैन स्टडी वेल इन क्वाइट हॉल, अब मैं क्या शांत हॉल में क्या और अच्छे से क्या पढ़ सकता हूँ, तो कैन क्या हो जाएगा, कैन आपका क्या है, कैन अगर मैं बात करूं मॉडल ऑक्सिलरी है, तो मैं शांत हॉल में और अच्छा पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरी एबिलिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पढ़ सकता हूं, मतलब मेरी एबिलिटी है, तो फंक्शन क्या हो गया, आपका एबिलिटी हो गया, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बात करूं, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मे है, तो मे क्या आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, सही बात है। अब आपका क्या ये मॉडल ऑक्सिलरी, अब ये क्या फंक्शन क्या आपका आएगा, फंक्शन मे, आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, मैं जा सकता हूं पुणे अगले हफ्ते, लिखे आए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यू मस्ट रिमेन साइलेंट, मस्ट है, क्या है, मस्ट है, तो मस्ट, यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुम्हें शांत बैठना है, तो ये क्या कंपल्शन है, कंपल्सरी बैठना है, तो ये क्या आपको मॉडलरी हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट है इसमें, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। अब मेक कंपाउंड, अब कंपाउंड, अब छोटे छोटे टॉपिक का फटाफट खत्म होगा। कंपाउंड वर्ड्स, जब कभी भी दो वर्ड मिलके क्या बनता है, एक नया वर्ड बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड। जैसे मून है एक वर्ड है और लाइट है, तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मून लाइट बन गया। सन है प्लस लाइट है, तो याद कर लिया तो सनलाइट बन गया। कोई भी दो कंपाउंड वर्ड याद कर लो, एग्जाम में आपको सीधा बोलेगा राइट टू कंपाउंड वर्ड, से ज्यादा कुछ बोला नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद होमोग्राफ में क्या होता है, जब कभी भी जो स्पेलिंग होगी वो सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा किसी भी वर्ड का, तो उसको हम होमोग्राफ बोलते हैं। जैसे फीट, फीट, एक फीट मतलब क्या होता है, लेग का बेस, तो उसको फीट बोलते हैं, और एक एक बेस क्या होता है, एक फीट क्या होता है जो हम लोग मेजर करते हैं, उसको एक फीट बोलते हैं, क्लियर हो गया।
एक सेकंड सेकंड एक सेकंड मतलब क्या, जो पहले के बाद आता है, और एक सेकंड मतलब क्या होता है, दो सेकंड रुकना, तीन सेकंड रुकना, वो होमोफोन्स में क्या होगा। होमोफोन्स में अगर मैं बात करूं तो डाय और डाय, ठीक है। अब डाय में अगर मैं बात करूं तो डाय क्या, जो बाल में लगाते हैं डाय, और एक जो डाय होता है मन में। और इसमें देखो प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है एंड जो मीनिंग है वो दोनों ही क्या है, आपका अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका होमोफोन्स बोलते हैं। और वर्ड चेन अगर बात करूं तो अब वर्ड चेन आपके एग्जाम में तीन तरीके से आएंगे। वर्ड चेन आपको क्या बोला जाएगा, आपको नाउन का बोला जाएगा, आपको वर्ब का बोला जाएगा, आपको एडजेक्टिव का बोला जाएगा। क्लियर हो गया? अब अगर नाउन का बोला जाए तो आपको नाउन वाले वर्ड ही लिखना है, अगर वर्ब बोला जाए तो वर्ब वाले वर्ड ही लिखना है, और एडजेक्टिव बोला जाए तो एडजेक्टिव वाले वर्ड ही लिखना है। जैसे कंप्लीट वर्ड चेन ऑफ नाउन, अब बुक दिया है तो बुक, बुक एक नाउन है, तो के से क्या नाउन चालू होगा, के से अगर चालू करो तो कंगारू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या, तो ओ से क्या चालू होगा, ओमकार चालू होगा। अब आर से क्या चालू होगा, वर्ब राजस्थान, सॉरी नाउन राजस्थान चालू होगा। अब एन है तो एन से क्या चालू होगा, एन से नीलेश चालू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे आपको क्या देंगे, वर्ड चेन क्या सॉल्व करने, लास्ट का जो अल्फाबेट रहेगा उसे क्या स्टार्टिंग वर्ड रहेगा वो लिखना है। हाँ, अगर नाउन दिया है तो नाउन ही लिखना तभी मार्क्स मिलेगा, अगर वर्ब दिया है तो वर्ब ही लिखना तभी मार्क्स दिया जाएगा, अगर एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव लिखना तभी मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स मिलेगा नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करूं तो इन्फिनेटिव तो बहुत ईजी है, टू प्लस वर्ब, मतलब टू और उसका पड़ोसी लिखा तो मतलब वो इन्फिनेटिव है। देखो टू दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, उसका पड़ोसी कौन है, आस्क है, तो ये क्या हो गया, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। शी इज गोइंग टू वेट, टू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, वेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टू और उसका पड़ोसी, ये क्या हो गया, आपका इन्फिनेटिव हो गया। जिरंड क्या होता है, जब कभी भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा तो वो क्या होता है, जिरंड होता है। सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक, बताओ वर्ब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, स्विम वर्ब है, और आईएनजी दिख रहा है, हाँ स्विम, तो ये क्या हो गया, आपका जिरंड हो गया। अजय एंड विजय आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, साइकिल साइकिल, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और साइकिलिंग ये क्या हो गया, आपका आईएनजी हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका जिरंड हो गया। क्लियर है? फाइंड हिडन वर्ड्स, अब आपको क्या दिया गया, एक वर्ड दे दिया गया, उसमें से आपको हिडन वर्ड्स मतलब वर्ड्स है, और कम से कम कितने अल्फाबेट होने चाहिए, चार अल्फाबेट तो होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पे वर्ड बनता है प्रो क्लेम एक बनता है, ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या बनेगा, एक एक आपका काम बनेगा, काम बनेगा, समझ में आ गया। फिर अगर मैं बात करूं आपका एक क्या बनेगा, राशन बनेगा। तो इस तरह क्या आपको वर्ड्स क्या बना रहे रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंशियंट है, एंसेस्टर्स है, ऑडियंस है, एडामेंट है, तो सबसे पहले चीज, अब यहाँ पे सारे लेटर्स क्या सेम से है पहले, फिर दूसरे लेटर पे जाओगे, दूसरे पर ए एन एन यू, तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है, तो ये आपका पहले नंबर पे चले जाएगा। फिर ए एन एन यू है तो एन दूसरे नंबर पे, अब ये दोनों सेम है तो फिर तीसरे नंबर पे, सी सेम है, आई और ई, आई और ई में से सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, सही बात है, तो ये दूसरे नंबर पे चले जाएगा, ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा, ये चौथे नंबर पे, तो ऐसा आपको क्या अरेंज करना रहेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग फ्रेज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो अब आपको इसको क्या करना है, इसको सेंटेंस में यूज करना। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स मतलब क्या होता है, जो इंसान कम बोलता है, ठीक है, कम बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। जैसे माय फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट लिसनिंग हिम इज अ वर्थ इट, मतलब मेरे जो पापा है वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनको सुनना बहुत वैल्यूएबल होता है जब भी वो बोलते हैं। वर्ड रजिस्टर, वर्ड रजिस्टर में क्या होता है, आपको वर्ड दे जाएगा, उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको लिखना है। स्कूल है तो स्कूल से क्या रहेगा, ब्लैक बोर्ड रहेगा, ठीक है, टीचर रहेंगी, स्टूडेंट रहेगा, क्लासरूम रहेगा, प्रिंसिपल रहेगी, ये सारी चीजें। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली चीज आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे नेचर एड फैशन मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, अब यहाँ पे देखो कंजक्शन दिख रहा है क्या, है कंजक्शन क्या होता है, कैसा वर्ड जो दो सेंटेंस को क्या साथ में जोड़ता है, सही बात है। अब यहाँ पे साथ में कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो एंड क्या आपका कंजक्शन है, सही बात है। तो यहाँ पे सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करना है। अब नेचर हैड फैशन मी टू बी शॉर्ट, ठीक है, अब यहां तक मेरा सेम कॉपी होगा। अब एंड है तो एंड के पहले क्या शॉर्ट है, तो शॉर्ट के पहले मैं क्या लिख दूंगा, नॉट ओनली लिख दूंगा, शॉर्ट। अब जो मेरा एंड है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, बट से, बट ऑल्सो से रिप्लेस हो जाएगा, बच्चा क्या पुअर, तो यहाँ पे क्या आ गया, पुअर आ गया, ठीक है। नेचर हैड फैशन मी टू बी नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो पुअर, तो यहां तक मैं पूरा सेम कॉपी करूंगा, बस यहां से मेरी चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है? रिमूव टू, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो रिमूव टू में, तो ये देखो
जब कभी भी इस आपको सेंटेंस में क्या इस तरह से सेंटेंस दे रहेगा और आपको टू निकाल के क्या सेंटेंस को लिखना रहेगा, तो इट इज टू सोर, टू सोर, टू मतलब बहुत ही ज्यादा सोर है, ठीक है। तो सेंटेंस जब भी चेंज करो तो उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। जब कभी ये वाला ऐसा सिर्फ एक ही टू है तो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेरी से रिप्लेस हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, इट इज वेरी सॉर, क्लियर होगा। एक ये टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्या आएगा, जहां पे दो टू रहेंगे तो उस पर कैसे लिखने का, अब ये दो टू है तो ये वाला टू के बजाय क्या सो आ जाएगा और ये वाले टू के बजाय क्या आ जाएगा, टैट आ जाएगा, क्लियर हो गया। लिख के बताता हूं, आई एम सो टायर्ड डैट, देखो ये वाले डैट अब डैट लिखा, फिर देखो आई है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या प्रेजेंट टेंस में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैन नॉट लिखेंगे। सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट लिखेंगे, अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो कुल नॉट लिखने का, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में तो क्या लिखूंगा, आई कैन नॉट थिंक, सॉरी सॉरी थिंक है, थिंक ऑफ एनीथिंग, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मेक असर्टिव सेंटेंस बहुत इजी है, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट इज, अब लास्ट बेंच पे जाओ इट वाज है तो इट वाज लिख दिया, अब फर्स्ट बेंच पे आओ वापस से, अब व्हाट क्या है, व्हाट हट जाएगा, बचा क्या, अ वंडरफुल स्टोरी, इट वाज अ वंडर स्टोरी, क्लियर होगा। हाउ लकी आई वाज, अब लास्ट बेंच पे कौन है, आई वाज है तो लिख दो आई वाज, अब हाउ के बदले क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा, ठीक है। जब कभी भी हाउ होगा तो रिप्लेस हो जाएगा वेरी से, आई वाज वेरी लकी, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपका सेंटेंस क्या कंप्लीट करना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो मेन मेन जो टॉपिक्स था हमने कवर अप कर लिया, आई होप आपको चीज समझिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।